अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लुक्स न्यूट्रिशियस। आज की रेसिपी में हम बना रहे हैं वेजिटेबल पैनकेक्स। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, जिसके लिए हमें चाहिए हाफ कप ओट्स, टू कप्स ऑफ वेजिटेबल्स ऑफ योर चॉइस एंड टू एग्स। सबसे पहले हम तमाम वेजिटेबल्स को चॉप कर लेंगे, जिसमें हमने ली है पत्ता गोभी, प्याज और टमाटर। इन वेजिटेबल्स में फ़ाइबर की क्वांटिटी ज़्यादा है, जिससे आपका निज़ाम हज़म बेहतर होता है और खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है। कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को भी ये कम करता है। वेजिटेबल्स को कट कर लेने के बाद अब हम एक सेपरेट बाउल में तमाम चीज़ों को कंबाइन कर देंगे। सबसे पहले बाउल में हम अंडे शामिल करेंगे और इसको अच्छे से विस्क कर लेंगे, और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, एड पिंच ऑफ टर्मेरिक पाउडर। अब इसको अच्छे से विस्क कर लेंगे ताकि किसी किस्म के पाउडर के लम्प्स ना रहें। विस्क कर लेने के बाद अब इसमें हम ओट्स शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ओट्स अच्छे से मिक्स हो जाएं तो इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। आवर बैटर इज़ रेडी, नाउ लेट्स कुक इट। एक पैन में 1 टीस्पून ऑयल डाल के उसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। फ्लेम आप मीडियम टू लो ही रखेंगे और इसको लो फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि ये जले ना। ये हमने 2 पर्संस की सर्विंग बनाई है, जिसमें 4 पैनकेक्स बनेंगे। क्वांटिटी को आप कम या ज़्यादा अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। बैटर को पैन में स्प्रेड करने के बाद इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे और इसको कवर कर देंगे। 3 से 4 मिनट पकने के बाद अब इसकी साइड को फ्लिप कर देंगे और इसी तरह दोनों साइड से इसको अच्छे से पका लेंगे। Our vegetable pancakes are ready. They are high in fiber, high protein and low fat. If you like the recipe, do subscribe to our channel.